आज शिक्षक नियोजन जो 2006 से सरकार के द्वारा शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया के लिए जो नियम अपनाया गया है उसका नाम है नियोजन। 6 चरण का नियोजन प्रक्रिया संपन्न होने वाली है। 5 गो संपन्न हो गया, 6ठा में कुछ बच गया है। 6ठा जैसा ही समाप्त होगा वैसा ही पुनः 1 लाख शिक्षकों की पुनः नियोजन होंगे। शिक्षा विभाग में पूरे 3 लाख सीट खाली है, पूरे 3 लाख सीट खाली है, जिसमें 7वां चरण में 1 लाख शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया पुनः शुरू की जाएगी। इस प्रक्रिया में जो पहले जो नियम अपनाए जाते थे, 7वां चरण के जो प्रक्रिया आने वाली है उसमें बदलाव किया गया है, मेधा अंक में बदलाव किया गया है, आवेदन जमा करने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। 2 बदलाव जो है बृहत पैमाने पर है और ये दोनों बदलाव से आवेदक को बहुत ही सुलभ सहायता मिलेगी, परेशानी से बचेंगे। उसके बाद शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया में जो नियम अपनाया जाएगा वो इस तरह से है। शिक्षक नियोजन 2022 7वां चरण, टोटल पद निकलेंगे लगभग 1 लाख। ये 1 लाख जो पद है ये 4 डिपार्टमेंट में बने होंगे, बटे हैं 4 डिपार्टमेंट में, और टोटल बहाली जो खाली जो सीट है, रिक्ति जो है, रिक्ति है 3 लाख, 3 लाख सीट रिक्त है। तो 7वां चरण को जो बहाली प्रक्रिया निकलेगी उसमें है पद, आवेदन, वेतन, शैक्षणिक योग्यता, प्रशैक्षणिक योग्यता, मेरिट और काउंसलिंग, इन प्रक्रिया को पूरा करना है। सबसे पहले कि आवेदन जब निकलेगा तो आवेदन जमा होंगे केंद्रीय कृत, पहले होता था पंचायत इकाई में, नगर इकाई में, नगर निगम इकाई में, इन सब इकाइयों को एक जगह संग्रह किया गया है जिसका नाम रखा जाएगा जिला नियोजन इकाई, इसलिए उसको कहा गया केंद्रीय कृत। माने जिला में जितने भी विद्यार्थी है सब जिला में जाकर के आवेदन देंगे, या तो ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा या ऑफलाइन लिया जाएगा, लेकिन एक जिला में एक ही जगह से केंद्र बनेगा, इसलिए विद्यार्थी को बहुत सारी सुविधा है। एक विद्यार्थी तो एक ही जगह एक ही पोस्ट लेंगे, लेकिन एक पोस्ट को लेने के लिए 100 जगह आवेदन दिया जाता था, ये बहुत ही कठिन प्रक्रिया थी। लेकिन बेरोजगार बेरोजगार होता है, बेरोजगारी का आलम तो बेरोजगार ही झेलता है। लड़के पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं नौकरी के लिए, उनका पहला लक्ष्य रहता है पढ़ाई का नौकरी करना, लेकिन नौकरी जब तक नहीं होता है तो बहुत सारी परेशानियां आती है। उस परेशानियां का कारण है आर्थिक अर्थ। बेरोजगार पढ़ा करके पढ़ते हैं, कुछ काम करके भी कर पढ़ते हैं, कुछ जो है संपन्न परिवार हैं तो परिवार के सहयोग से वो पढ़ते हैं। जब तक नौकरी नहीं लगता है तब तक विद्यार्थी का जीवन जो है अर्थ कलह से भरा हुआ है। नौकरी जब लग जाता है तो समाज में एक अलग पहचान बन जाता है। तो समाज में पहचान बनाने के लिए
देखिए पहले कैसे आपको समाज में प्रतिष्ठा मिलेगा। इस आवेदन में आप अप्लाई कीजिएगा शिक्षक नियोजन के सातवां चरण में, चार पार्ट में बचा हुआ है, 1 से 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12। इसका पद का नाम है पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक। 6 to 8 के पद का नाम है स्नातक शिक्षक। 9 to 10th के शिक्षक के पद का नाम है स्नातक शिक्षक। और 11 to 12 के शिक्षक के पद का नाम है स्नातकोत्तर शिक्षक, जिसका शैक्षणिक योग्यता 1 to 5 के लिए मैट्रिक इंटर डीएलएड, मैट्रिक इंटर डीएलएड और शिक्षक पात्रता परीक्षा की सर्टिफिकेट। उसी तरह 6 to 8 के लिए शैक्षणिक योग्यता, प्रशैक्षणिक योग्यता, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन, स्नातक शिक्षक। यानी स्नातक शिक्षक बनने के लिए आपको स्नातक की डिग्री रहनी चाहिए, स्नातक बीए की डिग्री को कहते हैं, ग्रेजुएशन जिसको कहते हैं। तो स्नातक पोस्ट पर पाने के लिए स्नातक की डिग्री अनिवार्य है। तो मैट्रिक इंटर और ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन ही स्नातक है। उसके बाद बीएड, उसके बाद बीटीईटी और सीटीईटी, बैचलर ऑफ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, दोनों डिग्री है। ये जो डिग्री है ये केंद्र सरकार इश्यू करती है और ये जो डिग्री है ये बिहार सरकार इश्यू करती है। बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसका ऐसे नाम होता है। इसी तरह से है स्नातक शिक्षक में 9 to 10th में, 9 to 10th और 6 to 8 पोस्ट एक ही है, वेतन भी एक ही है, पोस्ट भी एक है, वेतन भी एक है। तो उसके बाद स्नातकोत्तर शिक्षक है, शिक्षक है, इनका पोस्ट जो है स्नातकोत्तर शिक्षक कहलाते हैं। इनके लिए स्नातकोत्तर की डिग्री यानी पीजी की डिग्री यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, स्नातक के बाद की डिग्री को पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कहते हैं। पीजी 2 साल का होता है, स्नातक की डिग्री 3 साल की होती है, इंटर की डिग्री 2 साल की होती है, मैट्रिक की डिग्री 1 साल की होती है और बीएड की डिग्री 2 साल की होती है। शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वो राज्य सरकार और भारत सरकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 में यह प्रावधान किया गया था कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा से आवेदकों को गुजरना पड़ेगा। इसलिए हर सरकार, बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो, दोनों सरकार में शिक्षकों की जो बहाली होती है उसके लिए सबसे पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना पड़ेगा। और शिक्षक पात्रता परीक्षा वही विद्यार्थी पास करेंगे जो शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण ले चुके हैं, प्रशिक्षणोपरांत ये पात्रता परीक्षा पास करना। इसलिए इतना जो है पर्याप्त शैक्षणिक योग्यता आवश्यक है। जिनके पास ये शैक्षणिक योग्यता है वही विद्यार्थी इसमें अप्लाई करेंगे। अब हो जाएगा मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। तो मेरिट लिस्ट में शैक्षणिक योग्यता का, मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का और पोस्ट ग्रेजुएशन का और प्रशिक्षण की डिग्री को जोड़ करके जितने डिग्री उतना से भाग देंगे। जैसे 1 to 5 में देखिए, मैट्रिक का, इंटर का, डीएलएड का, तो मैट्रिक का, इंटर का, डीएलएड का, 3 गो डिग्री थे, 3 से भाग दिए। अब जो भागफल आ जाएगा उसको 0.4 से गुना कर देंगे तो 1 होगा ये। उसके बाद पात्रता परीक्षा जो जितना है परसेंटेज आएगा उसका 0.60 से गुना कर देंगे। गुना करने के बाद जो परिणाम प्राप्त होगा, मान लिया जाए दोनों को गुना कर जोड़ने के बाद परिणाम हुआ 60%, इनका मेधा अंक हुआ 60, मेधा अंक हुआ 60। उसी तरीका से मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन 62, 64, 58 और डीएड बीएड का 72, 4 गो डिग्री तो 4 से भाग दिए। फिर इसको जोड़ने के बाद 4 से भाग देने के बाद फिर इसको 0.4 से गुना कर देंगे। उसी तरह से है पात्रता परीक्षा में 110 अंक आया तो उसको 0.6 से गुना कर देंगे। इस तरीका से दोनों को जोड़ेंगे तो 70+ आ जाएगा। इसी तरीका से ये भी है, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन और बीएड 4 डिग्री तो 4 से भाग,
पत्ता परीक्षा को जो प्राप्तांक होगा उसको 0.6 से गुना कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे, जितना मैट लिस्ट आएगा वही मेधा अंक होगा। उसके बाद ये है स्नातकोत्तर की डिग्री है, मैट्रिक है, इंटर है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, बीएड है। तो मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और माने ट्रेनिंग का डिग्री, तो 5 डिग्री का परसेंटेज जितना आएगा उसको जोड़ करके 5 से भागा दे देंगे, उसको 0.4 से गुना कर देंगे। उसके बाद एसटीईटी का डिग्री है, एसटीईटी की डिग्री जितना नंबर आएगा उसको 60% निकाल देंगे। ये 60% हो गया, ये 40% हो गया, तो ये जितने भी डिग्री हैं उनको एवरेज निकाल करके एकेडमिक केयर को 0.4 से गुना करेंगे और पात्रता परीक्षा को 0.6 से गुना करेंगे, यानी 60% हो गया पात्रता परीक्षा का 60% और एकेडमिक का मेधा अंक का 40%। दोनों को जोड़िएगा जो भी प्राप्तांक आएगा वो आपका मेरिट लिस्ट लेगा। तो मेरिट लिस्ट जब तैयार हो जाएगा उसके बाद होगा क्या कि अगर सीट है 500 तो हाँ बुलाएगा 2500 लड़का का, तो 2500 ऊपर से अधिकतम मान लिया जाए 80 आया गया, उससे नीचा जाइए 2500 सीट को भरने के लिए मान लिया जाए 70 से ऊपर, 70 और 80 के बीच में आया, 70 से 80 के बीच वाले को बुलाएंगे। इसीलिए लिखा गया है कि 60 प्लस यानी 60 से ऊपर वाले और 70 से ऊपर वाले और 70 से ऊपर वाले, 70 से ऊपर वाले अभी तक जितने भी काउंसलिंग हुए हैं 70 से ऊपर वालों को बुलाया गया है फर्स्ट काउंसलिंग में। तो 70 से ऊपर वाले जितने भी विद्यार्थी का मेरिट लिस्ट में आ जाएगा उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। काउंसलिंग में जो जो लड़के पहुंचेंगे उनका काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग के बाद काउंसलिंग माने पत्र दिया जाएगा, उसके बाद फिर नियोजन पत्र निर्गत किया जाएगा, नियोजन पत्र के बाद योगदान पत्र निर्गत किया जाएगा, योगदान पत्र को लेकर के विद्यालय में जाइए और वहाँ योगदान दीजिए, शिक्षक बन जाइए। यही है 7वां चरण शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया। जब यहाँ अप्लाई कर दिया जाए आपको अगर नौकरी हो जाएगी तो आपका पढ़ाई जो है सकारात्मक हुआ, समाज में तुरंत फ्लैश होगा कि फलना का लड़का को नौकरी हो गया। नौकरी होने के बाद आपके पिताजी आपके नाम से जाने जाएंगे, नौकरी होने के पहले आप अपने पिताजी के नाम से जाने जाएंगे, परिवर्तन हो गया। यही आपके गार्जियन परिवर्तन चाहते थे, आप भी परिवर्तन चाहते हैं, तो परिवर्तन ही विकास है, परिवर्तन ही समाज में मान प्रतिष्ठा दिलाता है, परिवर्तन ही समाज को जोड़ता है, परिवर्तन ही समाज को निर्माण करता है। इसलिए इन सारे प्रक्रिया से गुजरिए, लापरवाही नहीं बरतना है, सावधानी पूर्वक आवेदन भरना है, आवेदन प्रक्रिया के अनुकूल बिहार सरकार के नियमानुकूल आपको चलना है नौकरी प्राप्त करने के लिए। नौकरी जब हो जाएगा तो आप स्वतंत्र हो जाइएगा, आप नौकरी कीजिएगा तो आपका परिवार खाएगा, आपका बाल बच्चा खाएगा, नौकरी एक कीजिएगा 10 गो का भरण पोषण होगा। इस तरीके से इस शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया जो है जितना हमको बताना था समझाना था समझा दिए, आप लोग इसको आगे जहाँ तक है बढ़ाने का बढ़ाइए और आप सलाह भी दे सकते हैं, इसलिए कि बहाली आने वाली है। अनुभव के आधार पर पहला जैसे प्रक्रिया हुआ था उससे जो परिवर्तन करने जा रही सरकार उसको हमने गाइडलाइन लिया, उस गाइडलाइन के आधार पर किए हैं। जब पुनः जब नोटिफिकेशन आएगा तो फिर एक इस पर वीडियो बनाया जाएगा, उसके बाद आप लोगों को पुनः फिर समझाया जाएगा। उसके बाद इसको बढ़ाइए आगे, सहयोग कीजिए, सलाह दीजिए और कोई अगर परेशानी है समस्या है उसको भी भेजने का कष्ट कीजिए।